10 मिनट 15 मिनट ऐसा गुंजन करो 40 दिन में तो कैसे भी बीमारियां कैसे भी पाप हो छू हो जाएंगे। आप घर के लोग मिलकर ऐसा 10 मिनट जप करो ने आपका घर 40 दिन के अंदर तो स्वर्गीय आनंद में बदल जाएगा। ये ऐसा जप है, घर वाले नहीं करे तो आपका तो जीवन में एकदम उन्नत हो जाएगा। टाइम बैक गारंटी, तुम सचमुच में धन्य हो रहे हो। तुम्हारे माता पिताओं की साथ साथ पीढ़ियां धन्य हो रही है। पाप ताप तो गए हैं लेकिन भगवत रस आ रहा है। जिसको भगवत रस आया नीरसता चली गई। भले भाई का शरीर हो चाहे माई का शरीर हो, बुद्धि तुम्हारी यशोदा बना दो। आनंद ओम, शांति ओम, माधुर्य ओम, परमात्मा ने ओम ओम ओम, तुम अंतर्यामी हो मेरे हो ओम ओम, तुम सुख रूप हो ओम ओम, तुम ज्ञान रूप हो ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम। मैं बाहर तुमको मंदिरों में खोजता था, मंदिरों में जाना सफल हो गया, अब हृदय मंदिर का ज्ञान मिल गया है। अब तो तुम मुझसे दूर नहीं थे, मैं तुमसे दूर नहीं था। प्रभु शरीर स्वप्ना तुम अपने, ओम ओम होठों से जपते ओम ओम, ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप अंतरात्मा ओम ओम। सबके हितेशी सबके सुहृद ओम ओम, सबके परम मित्र परम सखा ओम, मेरे भी ओम 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 ओम। ये दे दो ये दे दो, भिखमंगों की भाषा अब नहीं बोलूंगा, जो पहले दिया वो कम नहीं, बस तुम्हारी प्रीति तुम्हारी भक्ति ओम ओम। दो मिनट हो गए लगभग, अब होठों से नहीं बोलोगे हृदय से ओमकार मंत्र प्रीति पूर्वक जपते जाओ। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मनीश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। हृदय से सुमरण करते जाओ। मैं तो बोलूंगा आप नहीं बोलना, आप हृदय से ओम शांति ओम आनंद ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम 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 मेरे जी ओम ओम। आधा मिनट हो गया हृदय में जपने का, डेढ़ मिनट बाकी है, अपने ढंग से करते जाओ। ओ आनंद देवा प्रभु देवा। एक मिनट हो गया, बाकी एक मिनट हृदय से भगवान को स्नेह करते जाओ। ओम सुख रूपा ओम, निराकार भगवान की कोई आकृति नहीं, सारी आकृतियां माया में है। अनेक रूपों में भगवान प्रकट होते हैं लेकिन भगवान का चिदघन स्वरूप तो वही का वही एक मधुर शांति, शिव शांति, कल्याणकारी शांति। पौने दो मिनट हो गए, तुम सचमुच में धन्य हो रहे हो। तुम्हारे माता पिताओं की साथ साथ पीढ़ियां धन्य हो रही है। ओम आनंद ओम शांति ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी। दो मिनट तो हो गए, सवा दो मिनट हो गए।
अब आप भगवान से छेड़खानी करो जैसे बच्चा माँ से छेड़खानी करता है, माँ बच्चे से। ये साधना भगवान कृष्ण ने यशोदा को सिखाई थी, तो आप भी मेरे यशोदा ही हो, आप भी हमारी यशोदा ही हो। यशोदा का अर्थ समझो, भगवान को जो यश दे वो यशोदा, भले भाई का शरीर हो चाहे माई का शरीर हो, बुद्धि तुम्हारी यशोदा बना दो, आप सभी यशोदा हो। जिसकी बुद्धि भगवान को यश दे वो सभी यशोदा है। तो बुद्धि भगवान को यश दे वो यशोदा बुद्धि, और बुद्धि को जो जान रहा है वो अंतर्यामी भगवान ओम कृष्ण है। तो यशोदा भी यही है और कृष्ण भी यही है, और साधना में सिखाता हूं। कृष्ण यशोदा को कहते हैं होंठ बंद करके कंठ से माँ माना ओम, इससे याद शक्ति तो बढ़ती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। अभी अभी होंगे आपको हंसी आएगी, भगवान के साथ का तार जुड़ जाएगा, तादाद में हो जाएगा। आप ये भगवान के साथ कर रहे हैं, अंतर्यामी के साथ। भगवान खुश हो रहे हैं। पाप ताप तो गए हैं लेकिन भगवत रस आ रहा है। जिसको भगवत रस आया नीरसता चली गई। नीरस व्यक्ति पान मसाले से रस खोजता है, नीरस व्यक्ति इधर उधर भटकता है। जिसको रस आ गया वो तो काम से काम, काहे को लोफर पर ही करेगा। नीरस व्यक्ति लोफर होता है, नीरस माइयाँ लोफरियाँ होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। हमारे बच्चे बच्चे ऐसे नहीं करते। डेढ़ मिनट तो हो गया लगभग, दो मिनट हो गए। भगवान के सामने कोई आसन बिछा के बैठ जाओ, एक टक देखो उनको, और फिर अगर 45 साल से ज्यादा उम्र है तो हाथ ऐसे रखो गोद में, 45 साल से कम है तो दस मिनट 15 मिनट ऐसा गुंजन करो। 40 दिन में तो कैसे भी बीमारियां कैसे भी पापो छू हो जाएंगे। हरिओ और उसके बाद कैसे चालू कर दिया, जिनको लेना हो ये तीन पुस्तक
रे। जिन्होंने पहली उंगली अंगूठे के साथ, 45 साल से उम्र ज्यादा हो जाए तो हाथ की उंगलियां मिला दो और हाथ गोद में। आप घर के लोग मिलकर ऐसा 10 मिनट जप करो ने, आपका घर 40 दिन के अंदर तो स्वर्गीय आनंद में बदल जाएगा। ये ऐसा जप है। हरि ओम, लेकिन गरम आसन बिछा के करना चाहिए। ये ओम जपने से ऊर्जा पैदा होती है, अर्थिंग मिलने से धरती में चली जाती है, इसलिए गरम आसन, कुशाकासन अथवा प्लास्टिक बिछा के फिर जप करना चाहिए। एक टक 10-15 मिनट रोज आप करो ने तो 40 दिन में घर वाले नहीं करे तो आपका तो जीवन में एकदम उन्नत हो जाएगा। खाली 10-15 मिनट बस, जो पूजा पाठ करते हो उसमें से थोड़ा समय, थोड़ा समय अपना पूजा पाठ करते हो, समझो 35 मिनट, तो उसको 30 कर दिया और 10-12 मिनट ये बढ़ा दिया, 42 मिनट कर दिया, बहुत फर्क पड़ेगा। आप करके देखो, फायदा नहीं हो तो आपके समय की गारंटी मैं देता हूँ। 40 दिन में आपके 10-10 मिनट रोज खर्च हुए, उतना देर मैं आपके दुकान का, घर का काम आके करूँगा, चपरासी का काम भी जानता हूँ और बड़े में बड़ा काम भी करूँगा, तो आपका अच्छा ही होगा। टाइम बैक गारंटी।